तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इजी क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टैटिक जीके को लेकर के। अब ये स्टैटिक में बोलना तो इसका मतलब ये नहीं स्टैटिक ही रहेगी, इसमें करंट अफेयर भी रहेगा, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के भी क्वेश्चन रहेंगे, इसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन। मतलब ये एक वीडियो जो होगा, ये जो सीरीज आएगी ये कॉम्बो सीरीज आएगी जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। खास तौर से मैं NTPC और UPSI को टारगेट करूंगा। रीजन क्या है कि वहां पर करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, करंट को भी हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी से कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। बाकी स्कीम्स बहुत आती है, रिपोर्ट्स बहुत आती है, तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के द्वारा। और ऐसे यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आकर कमेंट करिएगा। पहला ये लेक्चर देखिए, यदि आपको पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आता डिसलाइक मारिएगा, रीज़न बताइएगा, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि सारी चीज़ों को कवर करूँ, आपको बढ़िया लेक्चर बढ़िया क्वालिटी दे पाऊँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू करेंगे स्कीम से, ठीक है। देखो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD जो मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाली जो मिनिस्ट्री है, उसने कई ऐप डाउनलोड यानी किए हैं, लॉन्च किए हैं, ठीक है। ऐप नहीं बोलेंगे, स्कीम्स बोलेंगे, ऐप गलत हो जाएगा, स्कीम्स बोलेंगे, उसी में कुछ ऐप भी होते हैं, ठीक है। तो स्कीम्स है, तो उस स्कीम्स को हम लोग देखेंगे। और ये स्कीम मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, और जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि आपका फील्ड ही क्या है, एजुकेशनल है। तो पहली जो स्कीम है वो हमारी आएगी हेरा, ठीक है, क्या है हेरा। दूसरी जो आएगी हमारी NEET नीट हो जाएगा। एक तो नीट हम लोग पढ़ते हैं, एक नीट ये होता है, ठीक है, वो जो डॉक्टर वाला एग्जाम होता है वो नहीं, ये वाला, ठीक है। NEET हेरा का फुल फॉर्म क्या होगा, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एग्रा, ठीक है, हायर एजुकेशन फाइनेंशियली एरा, ठीक है। मतलब हायर एजुकेशन से मतलब क्या समझ रहा, कि जो PhD हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, तो उसमें जो फाइनेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन, आप जानते हैं कि आप PhD करेंगे तो आपको 25,000 रुपये कुछ महीना मिलता है सरकारी तरफ से, वो देती हैं, तो उसी को मैनेज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग नीट की। तो नीट क्या है, नेशनल एजुकेशन अलायंस ऑफ फॉर टीचिंग, नेशनल, एक मिनट, नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टीचिंग, अलायंस फॉर टीचिंग, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये सब किसमें आएगी, MHRD मिनिस्ट्री। अब देखो इससे क्वेश्चन बनता है, MHRD मिनिस्ट्री में कौन कौन से स्कीम्स लॉन्च किए हैं। तो एक तो हो गई हेरा हो गई, ठीक है, फिर इसके बाद हो गई नीट हो गई, फिर इसके बाद हो गई शेयर्स, ठीक है, इसके बाद शेयर्स हो गई, फिर इसके बाद एक चौथी आ जाएगी हमारे पास SRATS। देखो कुछ के फॉर्म, कुछ के जो इंपॉर्टेंट, तो हायर एजुकेशन UGC को थोड़ा सा चेंज किया गया, इसलिए मैंने इसका लिखवाया है, क्योंकि UGC को पहले क्या, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको कौन मैनेज करता था, UGC। इतना आपको नहीं जानना, बस आपको ये याद रखना ना, यदि हेरा क्या होता है, नीट क्या होता है, CS क्या होता है, और स्टैट्स क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे डाल दिया नीट, तो नीट डाल देगा और बोलेगा ये किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया स्कीम है, ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा, MHRD मिनिस्ट्री हो जाएगा, स्वास्थ्य मिनिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत लोग स्वास्थ्य लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं नीट, आपने सुना है डॉक्टर वाला है, तो स्वास्थ्य लगा देंगे, और आपको और 2-3 मिनिस्ट्री दे देंगे, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हीरा हो गई, नीट हो गई, सीएस हो गया, स्टार्ट हो गया, और इसके बाद किरण स्कीम आपने सुना होगा, ठीक है, फिर इसके बाद 5 हो गई, छठी नंबर क्या होगी, छठी नंबर एक है जिसे भारत पर्व हो गई, ठीक है, भारत पर्व, और एक हो गई सातवीं, आप सुनेंगे तो गाती हो गई, ठीक है, गाती बोल सकते हैं, और एक हो गया हमारे पास आठवां हो गया प्रगति, ठीक है। तो लगभग ये जो है 8 जो स्कीम्स हैं
जिसमें जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने निकाली है, और सभी क्या है किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है किसी न किसी। गाती आपने बहुत सुना होगा, प्रगति आपने बहुत सुनी होगी, किरण स्कीम भी पेपर में आ चुकी है। तो ऐसी स्कीमों को आप अपने दिमाग में याद रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये थे किससे, एमएचआरडी मिनिस्ट्री से जितनी भी जुड़ी स्कीम्स के, इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो सारी मैंने एक जगह कवर कर दी है, एक जगह ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, ई ई बार्स, ई बार्स क्या होता है। ठीक है, देखो ये भी एक टर्म है जो बहुत लोग जानते हैं, जो बहुत लोग नहीं जानते। इसका फुल फॉर्म जो होगा वो होगा, देखो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, बी से हो जाएगा बायोमेट्रिक इनेबल्ड सेंट्रलाइज एक्सेस सिस्टम, बायोमेट्रिक सेंट्रलाइज एक्सेस सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई बार्स का क्या हो जाएगा, ये फुल फॉर्म हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा आप। ठीक है, इसको भी क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये लॉन्च किसने की है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, वो जो एरोप्लेन जहाज जहाज वाले काम है ना, जितना एयरपोर्ट संभालता है या फिर, उसी ने ये क्या करी है, लॉन्च की है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये क्या है, सिविल एविएशन ने लॉन्च की। इसे इसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट आई है। देखो मैं, आप मान सकते हैं कि आपको सरल भी लग रहा होगा, आपको टफ भी लग रहा होगा, दोनों ही चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में ऐसे कि देखो मैं बिल्कुल ये नहीं पढ़ाऊंगा कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, या फिर असम की राजधानी क्या है, बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि वो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, वैसे क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, क्वेश्चन इस लेवल का क्वेश्चन आता है। अभी दिखाता हूँ मैं इस लेवल, जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना 2019 की रिपोर्ट है, इसमें क्या क्या पूछे जाते क्वेश्चन। पहले सबसे ज़्यादा ये पूछेगा, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही होगा कि इस बार 2019 में जो तुम्हारा फॉरेस्ट रिजर्व है वो बढ़ा है कि घटा है, पहली चीज। तो हम कहेंगे क्या 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 इंक्रीज किया, कितना 0.56% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, पहला चीज, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है फॉरेस्ट, इस बार कहाँ बढ़ा है। तो सबसे ज्यादा बढ़ा है कहाँ पर, एमपी में, क्षेत्रफल के माध्यम में, किसमें, क्षेत्रफल के हिसाब से। पर यदि बोल दे आपसे, ये तो आपको समझ में आता है, पर यदि बोल दे परसेंटेज के हिसाब से, तब क्या करोगे, परसेंटेज के हिसाब से आपको यदि हम बोलेंगे तो वो होगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। फर्स्ट नंबर पे होगा मिजोरम, मिजोरम दूसरा होगा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा आपके पास हो जाएगा मेघालय। ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से, ये एरिया वाइज के हिसाब से, कुल मिलाकर 0.56% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, 24% कुछ क्या है हमारा, पूरे भारत का क्या है क्षेत्रफल है जिसमें फॉरेस्ट पाए जाते हैं। पर होना कितना चाहिए, यदि यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से चले तो 33% होना चाहिए पूरे भारत, यानी देश का, यानी एक तिहाई हिस्सा फॉरेस्ट होना चाहिए, पर वैसा नहीं, पर 24 है, बुरा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो परसेंटेज में सबसे ज्यादा मिजोरम है। मिजोरम याद रखना, मिजोरम कहाँ पर है, भारत का नक्शा ये बनाओ, देखो ड्राइंग वाइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, ये भारत का नक्शा बना हुआ है, तो यहाँ पर ये है मिजोरम, इसके ऊपर है मणिपुर। ठीक है, फिर इसके बाद नागालैंड, तो ये थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर होता है मिजोरम। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम से याद रखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। एमपी तो आप जानते हैं, एमपी का बीच में एकदम, यहाँ पर हमारा यूपी, यूपी से लगा है एमपी, एमपी से लगा है बिहार, बिहार से क्या लगा हुआ है झारखंड और उड़ीसा, सॉरी झारखंड और छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर है उड़ीसा। ठीक है, ये पूरा है पश्चिम बंगाल, फिर इसके नीचे आएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको आंध्र प्रदेश, फिर इधर आएंगे तो तमिलनाडु, फिर इधर आ जाएंगे कर्नाटक, फिर इधर आ जाएंगे, सॉरी ये केरल हो गया, ये कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, है ना, ऐसे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैप से भी याद रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैप में फिर वही ज्योग्राफी वाला सेक्शन आ जाता है जो आपके लिए समस्या खड़ी करने। एक रिपोर्ट और है जिसको मैं थोड़ा सा आप पर प्रकाश डालूंगा, जो पेपर में पूछी जा सकती है, एसर, एसर। अब आप कहेंगे सर धड़ाधड़ा आप रिपोर्ट ही करवा रहे, क्यों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते भाई,
ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आया। एसर क्या होता है? एनुमल, ठीक है, एनुमल स्टेटस, एनुमल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट एसआर का ये फुल फॉर्म है। आप चाहे तो याद रख सकते हैं, चाहे तो नहीं याद रखें, बस एक चीज याद रखना, इसे लॉन्च कौन करता है, कौन निकालता है? एक एनजीओ निकालता है। क्या निकालता है? एक एनजीओ जिसका नाम क्या है, वो है प्रथम। क्या है? प्रथम। प्रथम वो एनजीओ है जो इसे लॉन्च करता है हर साल। ये क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, मतलब एजुकेशन में हमारा देश कितना काम कर रहा है, कितना आगे बढ़ा, कितना पीछे जा रहा है, ये सारा डाटा कौन निकालता? प्रथम निकालता है। ये एक तरह के क्या एनजीओ है? एनजीओ जो निजी संस्थान होते हैं, जो अपनी ही फंडिंग के द्वारा सारा काम करते हैं, गवर्नमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, वो होते हैं एनजीओ। ठीक है, वो थोड़ा सा आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हमने क्या क्या समझ ली, हमने देख ली एमएचआरडी मिनिस्ट्री में कितनी कितनी स्कीम लॉन्च की गई है, फिर हमने क्या देखा, फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने देख ली, फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है, फिर इसके हम लोग देखा एसआर क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने क्या कर लिए, देख लिए। अब और ई बक्स मैंने देखा, ई बक्स आपको बताया वो क्या है, सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से क्या है, पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात तो बहुत, देखो एक और होता है जिसे कोल माइंस एक्ट होता है, ये सब भी एक्ट भी मैं बताऊंगा कैसे वो एक्ट कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और हम लोग कवर करेंगे। एक योजना है जो बहुत फेमस है और उम्मीद है पेपर में आ सकती है, हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये योजना किसने लॉन्च की है? एमपी ने। अब ये योजना है क्या, ये योजना जुड़ी किससे है? देखो आप जानते हैं लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में क्या हुआ कि विद्यालय बंद हो गए और एजुकेशन सिस्टम एकदम पूरी तरह से ठप हो गया, क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे रहे थे। पर पिछले 6 महीने में हमने बहुत सारे नए रिसोर्सेज ढूंढ लिए यूट्यूब के माध्यम से या फिर और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो उसी एक प्लेटफॉर्म में एमपी ने भी हमारा घर हमारा, यानी जो हमारा घर है वही हमारा क्या है, विद्यालय, किसने लॉन्च किया है? एमपी ने। अब जब एमपी की बात करें तो एमपी के भैया सबसे पहली बात, एमपी के सीएम कौन है? तो आपको पता है शिवराज सिंह चौहान। यदि एमपी के राज्यपाल की बात करें तो भाई राज्यपाल कौन है? राज्यपाल। तो यदि हम एमपी के राज्यपाल की हम लोग बात करेंगे तो राज्यपाल कौन है? आनंदी बेल पटेल। अब आप ये बताइए, आनंदी बेल पटेल जो है वो एमपी की तो राज्यपाल है, ये तो आपको ही पता है, ये और किस राज्य की राज्यपाल है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आनंदी बेल पटेल एमपी की तो है, वो और किस राज्य की है? क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक एक ही राज्यपाल है और वो दो राज्यों का कारोबार संभाल रही है। ठीक, इससे पहले ये कहाँ की थी? इससे पहले आपको पता होगा तो ये गुजरात की राज्यपाल रही है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये बनी है एमपी की राज्यपाल। और एक राज्य और है जो है हमारा यूपी, क्या है ये? यूपी का भी कार्यभार संभाल रही है। तो हम कह सकते हैं यूपी की भी क्या है ये राज्यपाल है, कौन? आनंदी बेल पटेल। एमपी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखो एमपी क्या है, एमपी में ही सबसे बड़ा सोलर पैनल प्लांट यहीं लगाया गया है, कहां पर? एमपी में। ठीक है, राज्यपाल हो गया आनंदी पेपर। अब देखो यहां पर क्या होता है, एक बड़ी समस्या अब और शुरू हो गई है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए। अब अभी तक क्या होता था, यूपी में राज्यसभा सीटें कितनी होती, लोकसभा सीटें कितनी, सॉरी भारत में, अब क्या हुआ राज्य की भी पूछने लगा। तो यदि एमपी की बात करें तो एमपी में विधान मंडल की सीटें कितनी है? 230। ये राज्यसभा हो गया और ये लोकसभा हो गया, लोकसभा। तो राज्यसभा में कितनी सीटें भाई? राज्यसभा में यदि हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो राज्यसभा में हमारे पास कितनी मिलेंगी? 11 सीटें, और यहां पर कितनी है? 29 सीटें। ठीक है, 11 सीटें और 29 सीटें, यहां पर कितनी है विधानमंडल में? 230 सीटें। तो मुझे लगता है एमपी बारे में इतनी जानकारी बहुत है। चलो यदि और यदि तुमको इतनी भी कम पड़ रही तो यहाँ के उद्यान देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से। तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है,
ठीक है, इसके बाद पन्ना, पन्ना भी यहीं पर है, फिर इसके बाद वन विहार भी यहीं पर है, क्या है वन विहार, ये सारी चीजें लिख लो भैया कहूँ नहीं मिलेंगी, ठीक है एक जगह नहीं मिलनी है, एक फिर इसके बाद है सतपुड़ा, वन विहार यहीं पर है, ठीक है, और इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हो गई एमपी के लिए, और मुझे लगता है इतनी जानकारी एमपी के लिए बहुत है, ठीक है। तो एमपी की कहानी कहां से शुरू हुई थी, हमारा घर हमारी विद्यालय, ये कहां पर है एमपी में, एमपी के जो सीएम है वो कौन, शिवराज सिंह चौहान, और एमपी के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदी बेल पटेल, और ये यूपी का भी कारोबार संभाल रही है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो एमपी में ही लगा हुआ है, विधानमंडल में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 29 सीटें पाई जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, कान्हा, पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इतने हैं, ठीक है। अभी नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां बहती है, देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन, देखो कितना क्वेश्चन निकलता है। अभी हम नदियों की बात करें तो आप जानते हैं नर्मदा यहाँ से बहती है, सोन यहाँ से बहती है, बेतवा यहाँ से बहती है, नर्मदा, सोन, बेतवा, शिप्रा नदी भी यहीं से क्या बहती है, एमपी से, लिख लो भैया नदी भी, लिखो 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 नदी भी, तो क्या हो गई, बेतवा हो गई, नर्मदा हो गई, सोन हो गई और शिप्रा भी यही हो गए, ठीक है। तो कितनी हो गई, चार नदियां कवर कर दिए सारा चीजें, अभी फिर कभी ज्योग्राफी और करेंगे तो और अच्छे से कवर करेंगे, ये हो गया किसके बारे में, एमपी बारे में, उम्मीद है सारी चीजें लिख ली होंगी। तो कितनी चीजें हमने पढ़ ली भाई, एमपी में कौन सी योजना शुरू हुई थी, देखो एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन कवर होता है, इसी में बोलते हैं हम 360 कवर करना, कितना 360 सब कुछ कवर कर डालो सालों, कुछ भी छोड़ो नहीं, एक फिर एक जो पार्क खोला गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, मुझे लगता है ये हर एग्जाम में आपको मिलेगा, भारत में सबसे पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया भैया, उत्तराखंड में, कहाँ खोला गया, उत्तराखंड में, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन पे आप अपनी नजर डाला करना, ठीक है। फिर इसके बाद एक बात करते हैं, फर्स्ट बेल, पहली बेल, पहली बेल ऑनलाइन क्लासेस, फर्स्ट बेल ऑनलाइन क्लासेस किसने शुरू की है, तो वो भैया शुरू की है केरल, किसने शुरू की है केरल, फर्स्ट बेल ऑनलाइन क्लासेस किसने शुरू की है केरल में। अब हम केरल की बात करते हैं तो उत्तराखंड की भी हम लोग बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, केरल के बारे में बात करें, केरल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा भारत और केरल पड़ता है ये यहाँ, ठीक है, ये हमारा तमिलनाडु, फिर इसके ऊपर आंध्र प्रदेश, फिर इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कर्नाटक, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब चीज़ें हम लोग करें, तो हम लोग बात करते हैं केरल, ये इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं और इसके इसको पूर्वी घाट करते हैं, पश्चिम और पूर्वी घाट को मिलाने वाला कौन सा पॉइंट है ये जरूर लिख के बताना, ठीक है। पश्चिमी घाट में बहुत सारे घाट हैं, माल प्रभा, घाट प्रभा, ठीक है, ये सारे घाट यहाँ पर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, पढ़ाएंगे धीरे धीरे बताएंगे, केरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, चलो केरल के बारे में थोड़ा जानते हैं, केरल का भैया पहली बात तो राजधानी, अच्छा हमने एमपी की राजधानी नहीं बताई, ठीक है, तो एमपी की राजधानी आप जानते हैं भोपाल, ठीक है, भोपाल याद रखिएगा, केरल की राजधानी कौन सी है भाई, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, क्या ये राजधानी है, सीएम इसकी बात करें तो सीएम कौन है भाई, सीएम इसके पिनारी है, पिनारी, ठीक है, पिनारी है, और इसमें यदि लोकसभा राज्यसभा की पिनारी विजयन है, इतना याद रखना, अच्छा राज्यपाल कैसे भूल सकते हैं भाई, राज्यपाल भैया राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद, ठीक है, राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद, सीएम कौन है, पिनारी विजयन, राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, लोकसभा राज्यसभा सीटें बात कर ले तो विधानसभा की सीटें पहले बात करेंगे, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 141, राज्यसभा और लोकसभा में कितनी है भाई, तो आप यदि देखेंगे तो राज्यसभा में कितनी है, 9 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी है, 20 सीटें हैं, ठीक है, राजधानी कौन है, तिरुवनंतपुरम हो गई, सीएम कौन है, पिनारी
पिनारी विजयन, राज्यपाल है आसिफ मोहम्मद, विधानसभा सीटें कितनी है 141, लोकसभा सीटें 9 और सॉरी राज्यसभा सीटें 9 और लोकसभा सीटें 20 हो गई। उम्मीद है ये इस तट पे पाया जाता, पश्चिमी घाट पे होता सबसे किनारा, ठीक है। और यहीं पर बहुत सारी घाटियां हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे पढ़ाऊंगा, इसमें पढ़ाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ओके। यहाँ की भाषा यदि हम बात करेंगे तो मलयालम सबसे ज्यादा बोली जाती है। और इसका त्यौहार जो बात करेंगे तो ओणम, ओणम बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। यदि हम त्यौहार की बात करेंगे तो ओणम, ओणम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार मनाया जाता है। और यदि यहाँ के नृत्य की बात करें, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला नृत्य कौन कौन सा भाई, एक तो हो गए कथकली मोहिनीअट्टम, एक तो हो गए कथकली और दूसरा क्या है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कथकली मोहिनीअट्टम और एक हो कुड़िया कुड़ियाअट्टम, ठीक है कुड़ियाअट्टम। ये हो गए हमारे पास क्या नृत्य हो गए, त्यौहार हो गया, राजधानी हो गई, सीएम हो गए हमारे पास, सीएम हो गए, राज्यपाल हो गए, विधानसभा सीट हो गई, राज्यसभा सीट हो गई, लोकसभा सीट हो गए, त्यौहार याद रखना। ओणम बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ओणम बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत बार पेपर में पूछा गया। तो इतनी जानकारी मेरे हिसाब से केरल के लिए बहुत है। शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू किया था फर्स्ट बेल ऑनलाइन क्लासेस से, और जो किसने शुरू की है वो शुरू की है किसने, केरल, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पढ़ने में मजा आ रही। सबसे बड़ा पैनल कहाँ शुरू हुआ है, सबसे पहला जो लाइकन पार्क है वो उत्तराखंड में शुरू किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी चीज़ रखते हैं। वीडियो कैसा पसंद कैसा लगा थोड़ा बताइएगा, कि जो हमारी थोड़ा पढ़ाने तरीका आपको कैसा लगा हो। बाकी इसी तरह की हम और क्लासे लाने का ट्राई करें, क्योंकि मटेरियल फ्री मैंने बताया था कल की वीडियो में, बताया था मटेरियल मेरे पास बहुत सारा, ठीक है। इतना है कि मैं डिलीवर नहीं कर, यदि मैं 24 घंटे ही पढ़ाऊँ ना तो भी मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाऊँ, इतना सारा मटेरियल है, मतलब भरा पड़ा यार, है नहीं। किसी ने दिखाऊंगा कितना मटेरियल, ओके। बाकी कुछ बच्चे जो मैंने ज्वाइन बटन वाला कहा था, भैया मैं आपको फिर बता देता हूँ, यदि पास आपके पास है तभी आप सपोर्ट करें, ज़बरदस्ती नहीं, उधार लेके सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये वो नहीं है कि नहीं करना ही करना है, इच्छा हो तो, नहीं इच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम काम कर रहे हैं आपके लिए। बस ये है कि स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती, जाहिर सी बात है आप ही जानते हो यार, 2G चला रहे हैं अभी, 4G होगी तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, पर कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, ठीक है। ऐसे ही वीडियो हम लोग अब लाने या ट्राई करेंगे कि एक एक पोर्शन से, एक क्वेश्चन से 360 डिग्री कैसे कवर करते हैं, ठीक है। और आप बैठे बैठे और ट्राई करें तो लिखे भी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में देना, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है।